डियर स्टूडेंट्स असलकुम टुडेज टॉपिक एज़ यू नो इज़ हाउ टू मेक अ कस्टमर इनएक्टिव द रीज़न फॉर मेकिंग अ कस्टमर इनएक्टिव इज दैट दैट कस्टमर हैज़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एसोसिएट विद हिम जब भी किसी कस्टमर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हों तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते लेकिन ऐसे कस्टमर को हम इनएक्टिव ज़रूर बना सकते हैं कस्टमर को इनएक्टिव वंस अगेन आप पूछेंगे क्या ज़रूरत है कि किसी भी कस्टमर को इनएक्टिव बना दे? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती एक तो ये कि दिस कस्टमर इज़ नो लॉगर वर्किंग अब ये कस्टमर काम नहीं कर रहा ये अपना काम छोड़ गया है ये कंपनी अवेलेबल नहीं है जब भी कोई ऐसा कस्टमर होगा जो कि अवेलेबल नहीं है जिसके साथ अब हम मज़ीद बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो उसको हम लिस्ट से हटा देंगे उसका डेटा रहने देंगे और उस कस्टमर को हम इनएक्टिव कर देंगे दूसरी वजह क्या हो सकती दूसरी वजह यह है कि वी आर ना नो लॉन्गर वर्किंग विद दिस कस्टमर इस कस्टमर के साथ हमने अब काम करने से माजरत कर ली है जब भी हम किसी कस्टमर के साथ मजीद काम जारी रखने के लिए तैयार नहीं होंगे और अपना सारा अकाउंट्स उसके साथ हमने रिकनसाइल कर लिया होगा तो वी कैन मेक दैट कस्टमर इनएक्टिव इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है तीसरी वजह ये हो सकती है कि ये कस्टमर अब हमारे अलावा कहीं और से काम शुरू कर दिया है या ये रीलोकेट कर गया है ये कस्टमर अवेलेबल ही नहीं है हमारे इलाके में कि हम इसके साथ बिजनेस करें जो कस्टमर रीलोकेट कर गया है किसी और जगह चला गया है जहां हम काम नहीं करते जहां हम सर्विसेज अपनी नहीं देते तो हम ऐसे कस्टमर को भी इनएक्टिव कर देंगे आपने देखा कि बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि हम किसी भी कस्टमर के साथ मज़ीद बिजनेस नहीं करना चाह रहे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ होगी कि हम किसी भी कस्टमर के साथ मज़ीद बिजनेस अब नहीं करना चाह रहे तो हम उसको इनएक्टिव कर देंगे इनएक्टिव करने से हमें क्या फ़ायदा होगा हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो लंबी सी एक लिस्ट है उसमें ख़ाम खा एक कस्टमर जिसके साथ हम बिज़नेस ही नहीं कर रहे वो अब शो नहीं होगा और हमें जो लिस्ट नजर आएगी उसमें सिर्फ एक्टिव कस्टमर्स जिनके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हमें नज़र आते रहेंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऐसे कस्टमर को जिसके साथ हम बिज़नेस कर चुके हैं और ट्रांजैक्शंस हमारी हो चुकी हैं डिलीट नहीं कर सकते वी कैन ओनली मेक हिम इनएक्टिव और दूसरी इसका पहलू ये है कि जब भी हम किस, किसी किसी कस्टमर को इनएक्टिव करते हैं और बाद में उसके साथ दोबारा से हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है वी कैन ऑलवेज मेक दैट कस्टमर एक्टिव अगेन आइए देखते हैं कि क्विक बुक्स में ये कैसे होता है एज यू नो जब भी हमें कस्टमर सेंटर जाना है ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन कस्टमर्स अब हमारे पास ये लिस्ट आ गई उन कस्टमर्स की जो एक्टिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं अगर हम किसी खास कस्टमर को इनएक्टिव करना चाहें ऑल वी नीड टू डू इज सेलेक्ट दैट कस्टमर राइट क्लिक एंड मेक दैट कस्टमर इनएक्टिव अब वंस अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि हमसे हमेशा क्विक बुक्स कोई भी एक्शन लेने से पहले सवाल करेगा कि डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड विद आर एक्शन और खुद से हमें गलत एक्शन लेने नहीं देगा और यहाँ वंस अगेन ये हमसे पूछ रहा है सवाल कर रहा है कि डू यू वॉन्ट टू मेक दिस कस्टमर इनएक्टिव

कोई भी ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड ही नहीं थी क्या हम इसको वापस ला सकते हैं हम हमेशा कस्टमर्स जो कि हमने इनएक्टिव कर दिए हैं एक्टिवेट कर सकते हैं और उनके साथ दोबारा से बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कस्टमर्स को इनएक्टिव करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये हमारी एक्टिव कस्टमर लिस्ट में ना आए आप लोग वाकिफ होंगे एक लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शाया करती है वो कहलाती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इसी तरह से हमारे पास जो क्विक बुक्स लिस्ट दिखा रही है हम चाहेंगे कि इसमें वो कस्टमर्स आए जो कि हमारे साथ एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिडेंडेंट और ऐसे कस्टमर्स जिनके साथ अब हम मजीद काम नहीं कर रहे वो इस लिस्ट में से गायब हो जाए दैट इज़ द रीज़न वाई वी मेक आर कस्टमर्स सम ऑफ देम इनएक्टिव Now I hope that you understand the reason for making customers inactive or when desired to delete a customer. There is a difference between deleting and making a customer inactive. Ek bar phir repeat kardu delete hum wo customer karenge who has no transaction associated with him, while we can only make a customer who has transaction associated with him inactive. And later on, we will see. How to make this customer active again and bring him back to our active customer list. Thank you for joining us.